अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, गोला कबाब मसाला रेसिपी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, घर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं इसके अंदर और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे, और इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रहे, और बेल आइकन लाजमी दबा दिएगा। चलिए आप चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये चिकन का ब्रेस्ट पीस है, इसको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और ये मसाला पीसने वाली सिंपल डिबी है, इसके अंदर आप इजीली डालें और इसका कीमा घर पे बना लें। ये देखें जी, मैंने इसका कीमा बना लिया है सारा। कितना अच्छा फाइन कीमा बिल्कुल बना है, बारीक बिल्कुल बना है, ज़बरदस्त कीमा बनता है। फ्राई पैन में मैंने 1.5 चम्मच जीरा लिया है, 1.5 चम्मच ही सूखा धनिया लिया है। इसको आपने ब्राउन कर लेना है, और जब ये सही से ब्राउन हो जाए, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखें जी, बिल्कुल रेडी हो गया है। ओके जी, एक बोल में मैंने चिकन निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है ऑयल, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून दर्दड़ मिर्च जिसे रेड फ्लेक्स भी कहते हैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून ज़ीरा और सूखा धनिया जो मैंने पीस लिया है, 2 चुटकियाँ अजवाइन, और ये हरा धनिया चला गया, और ये क्रम्स मैंने डाले हैं, ब्रेड क्रम्स एक बिल्कुल बोल भर के। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। इसके अंदर अभी हम आगे दही और साथ थोड़ा सा चपली कबाब मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये चपली कबाब मसाला, ये अदरक पाउडर, और ये दही डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दूसरी तरफ मैंने कोयला रख लिया है, कोयला बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी हम इसको धुआं देंगे। ये एक बोल के अंदर मैंने कीमा डाल दिया और मैंने कोयला रख दिया, इसको मैं धुआं देने लगी हूँ, और इसको टाइट बंद कर दें, ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दें ताकि धुआं ना निकले। ये देखें जी, अब मैंने हटा दिया है इसको और मैं इसको साइड पे कर दूँगी। ओके जी, अब मैंने एक बोल में कीमा डाल लिया है। अब मैं इसको आपको शेप दे के दिखाऊँगी कि किस तरह से हमने इसको शेप देनी है गोला कबाब की। हल्का सा हाथ पर ऑयल लगा लें ताकि वो हाथ पर चिपके ना, और कबाब की शेप भी अच्छी बन जाएगी। ये देखें, इस तरह से पहले गोल गोल बिल्कुल उसको जैसे लड्डू बनाते हैं, इस तरह से आप उसको पहले शेप दे लें। अब इसको शेप देने के बाद सीख में डाल के इस तरह से तो उसको एक फाइन शेप दे दें गोला कबाब की। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त शेप निकल रही है कबाब की। इस तरह से उसको हाथों के साथ शेप दे दें। ओके जी, ये देखें जी, रेडी हो गया है। इसी तरह आपने बाकी सबको भी शेप दे देना है। ओके फ्रेंड्स, ये एक प्लेट रेडी हो चुकी है। अभी मेरा हाफ मटेरियल रहता है रेडी करने के लिए, तो हम इसको साथ साथ फ्राई करने का प्रोसीजर साथ स्टार्ट करते हैं। अब एक फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल लिया है, वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें कबाब रख दिए हैं। ये देखें जी, कबाब आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो गया है। नॉर्मल आँच पर पकाने हैं, तेज़ आँच नहीं करनी, नॉर्मल पे। ये देखें जी, ये अब इनकी साइड चेंज कर दी है मैंने। ये देखें जी, मैंने सबको फ्राई कर लिया है। अब मैंने चॉप प्याज कटिंग किया है और उसको मैं सोगी करूँगी थोड़ा सा, और जब ये सोगी हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। वैसे मैंने चॉप किया है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी साथ थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाए। अब इसमें टमाटर डाल दिए हैं मैंने, टमाटरों को जो है मिक्स कर लें साथ। अब बाकी मसाले डाल दूंगी, ये लाल मिर्च डले गई है, ये गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी थोड़ी सी 1 चुटकी, और ये नमक डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी डाल दें, जिससे ये मसाला जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, टमाटर जो है वो बैठ जाएंगे और फाइन हो जाएगा मसाला। अब मैं पानी डाल के थोड़ा सा, तो इसको हल्की आंच पे रखना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं रखना, दम से थोड़ी सी तेज़। ये देखें जी, मसाला जो है रेडी हो रहा है। अभी बीच में मुझे टमाटर थोड़े बड़े लगे हैं, तो मैंने उनको चम्मच के साथ सेट कर लिया है। इस तरह से सेट कर लें टमाटर को। ये देखें, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं टमाटर, और मसाला भी बिल्कुल सेट हो गया हमारा। साथ साथ चम्मच लाएँ ताकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल जो है वो फाइन हो जाए। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर कबाब डाल देंगे। ये देखें जी, कबाब डाल दिए हैं मैंने।
ये 35 कबाब बने हैं एक ब्रेस्ट पीस में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये मैंने रखा है बंद गोभी का पत्ता, और इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा स्मोकी फ्लेवर दूंगी, ये देखें जी। और इसको हम बंद कर देंगे फ़ौरन, और ऊपर कोई हैवी चीज़ रखते हैं। ये देखें जी बिल्कुल रेडी है, मैंने 5 से 10 मिनट दम दे दिया था इसको। इसको मैं रिमूव कर दूंगी, और सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। एंड पे इसको हम धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत ही अच्छी है, सबको बहुत पसंद आती है, बड़ों बच्चों सबको पसंद आती है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह, टेक केयर, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।